सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूँ डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज फिर एक वीडियो मैं लेकर आया हूं जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और ये वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यानी कि ये वीडियो है पेट की तकलीफों के लिए। उन सभी लोगों को जिन्हें पेट की समस्या होती है, पेट रोज साफ नहीं होता और जिन्हें चार से पांच बार करीब तीन से चार बार पांच बार रोज मोशन जाना पड़ता है और उसके बावजूद भी मोशन चिपचिपापन आता है मोशन में और मोशन क्लियर नहीं होता, तो ये क्यों हो रहा है और अक्सर लोगों में इस तरह की समस्या देखने को आती है और वो परेशान रहते हैं, लंबे समय तक मेडिसिन्स खाते रहते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये बहुत सामान्य समस्या है। देखिए, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके कुछ समय से मोशन गड़बड़ रहे हो और आपको तीन चार बार पांच बार जाना पड़ता है दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, आपको अपने जनरल फिजिशियन या एमडी मेडिसिन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो आपके पेट के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ले सकते हैं या किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर से तुरंत जाकर मिलें और या कोई भी आपके जनरल प्रैक्टिशनर हो उनसे जाकर मिले और इस बात के बारे में जानकारी हासिल करें कि क्यों आपको ये तकलीफ हो रही है और आप ही के साथ क्यों हो रहा है। आपने दूसरी बात ये जाने कि आपके अपनी जीवन शैली में या लाइफस्टाइल में आपने कौन कौन से ऐसे बदलाव किए हैं पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में जिनकी वजह से क्या आपके पेट में या डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई समस्या आ रही है। तीसरी बात नोट करें कि क्या आपने पिछले कुछ समय से कुछ मेडिसिन का सेवन करना चालू किया है जिसके साइड इफेक्ट के तौर पर आपको ये समस्या हो रही है। चौथी बात ये जाने कि क्या आपको पिछले कुछ समय में कोई बीमारी हुई जैसे मलेरिया, पीलिया, टाइफाइड या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से आपने कोई मेडिसिन ली और आपका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक तंत्र भी थोड़ा कमजोर हुआ। ये सारी बातों को ध्यान में रखने के बावजूद भी कुछ बातें ऐसी है जो हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वो कुछ बातें हैं, उन्हें नोट कीजिए। हमारा जो सोने का टाइमिंग होता है, रात में बहुत देर रात तक हम जागते हैं, मोबाइल चला रहे हैं बहुत देर तक, तो दूसरे दिन डाइजेशन गड़बड़ होना एक सामान्य बात है। तो दूसरे दिन पेट साफ नहीं होता, दो तीन बार आपको जाना पड़ता है, ये जो बात है ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है और ये धीरे धीरे एक आदत सी बनती जा रही है कि हम देर रात तक जागते हैं। उसके बाद आपको गैस बनती है, फार्ट्स पास करना पड़ता है, मोशन क्लियर नहीं होता, पेट फूला फूला सा लगता है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है हमारे खाने को लेकर, क्योंकि हमने जितने भी वीडियोस हमारे बनाए हैं और हम बनाते हैं और हमारी क्लिनिक में भी जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें मैंने खाने के बारे में बहुत अच्छे से सलाह देने की कोशिश की है और हर बार ये बोलता हूं कि अपने खाने पर लगाम कसिए, अपने खाने पर ध्यान दीजिए। आपको देखकर ये समझ में आएगा कि आप पिछले कुछ महीनों से क्या आपका खाना बहुत गड़बड़ है या कुछ सालों में आपके खाने का वक्त नहीं है आपके पास और आपका खाना चार चार बजे पांच पांच बजे हो रहा है जो आपको सुबह खाना चाहिए था। सुबह का खाना ये कॉमन सी बात लगती है लेकिन ये बहुत गलत है, ये बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दे रहा है। आपको जेनेटिक्स या आनुवंशिकी की वजह से इस जमाने में बीमारियां नहीं हो रही हैं, ज्यादातर बीमारियां आनुवंशिकी की वजह से कुछ बीमारियां हो सकती हैं लेकिन ज्यादातर बीमारियां आप अपनी आनुवंशिकी को सपोर्ट करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल यानी अपनी जीवन शैली को खराब करके आप बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर आते हैं और फिर बाद में हम बात करते हैं कि मेरे पिताजी को डायबिटीज था ना इसलिए मुझे डायबिटीज हो गया। लेकिन जो पिताजी को डायबिटीज था वो किस उम्र में आया कभी आपने सोचा? वो उन्हें 60 65 की या 55 की उम्र में आया था लेकिन आपको तो 35 और 30 में आ गया, क्या ये सही है? चलिए हम मानते हैं कि आनुवंशिकी में डायबिटीज यानी शुगर के मधुमेह होने के जेनेटिक्स में आपके वो प्रॉब्लम है या जेनेटिक्स आनुवंशिकी चल रही है लेकिन आपने जो आनुवंशिकी को सपोर्ट करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को और बिगाड़ लिया वो अब 30 से 35 साल, कुछ लोगों में 25 से 26 सालों में भी डायबिटीज दिख रहा है और
बहुत ज्यादा विकराल रूप ले चुका है, लोगों को दवाइयां बहुत ज्यादा लेनी पड़ी है। इस तरह के पेशेंट्स को मेरी सलाह ये है कि अपनी लाइफस्टाइल सबसे पहले करेक्ट करो, अपने सोने का टाइम, अपने खाना खाने का टाइम ठीक करो, 11-12 बजे के आसपास पूरा खाना खा लीजिए, हरी सब्जियां सैलड ज्यादा मात्रा में बढ़ाइए, तब आपका डाइजेशन भी क्लियर होगा और आप बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। कुछ लोग बहुत ज्यादा मसाले खाने में यूज कर रहे हैं और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आ रहा है, क्योंकि ये कार्डिक प्रॉब्लम यानी हार्ट डिसीज की तरफ हमको लेकर जा रहा है। वीडियो छोटा सा है, सामान्य वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को समझिएगा। ये आपको ध्यान दिलाने के लिए है कि आपको अपने खाने में हरी सब्जियां और सैलड्स खूब मात्रा में बढ़ा लेना है। सैलड की 40% की मात्रा, 40% का नियम मैंने बताया है, सलाद 40% सलाद। अब मैं बात कर रहा हूं दवाइयों की, तो कौन सी दवाइयां आप लेंगे जिससे आपका मोशन क्लियर हो जाए। सबसे पहली दवाई तो मैंने आपको ये बता दी कि 40% आपके खाने में सैलेड डाल दीजिए, आपका मोशन क्लियर हो जाएगा। दूसरी जो चीज करनी है वो आपको लेना है अलसी, कच्ची अलसी फ्लैक्सीड, 2-2 चम्मच दिन में 2-3 बार, अच्छी ज्यादा मात्रा में लीजिएगा, सबसे छोटी चम्मच नहीं सबसे बड़ी चम्मच यूज कीजिएगा घर की, ताकि आपका मोशन एकदम क्लियर हो, क्योंकि अलसी की टेंडेंसी होती है ये चिकना होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ओमेगा 3-6 इसमें होता है, तो ये आपके स्किन के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपके शरीर की सभी सेल्स के लिए ओमेगा 3-6 फैटी एसिड्स देता है, जो कि बहुत स्ट्रांग चीज होती है आपकी बोन्स के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, और आपको हार्ट डिसीजेस भी नहीं होंगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, महिलाओं में जोड़ों के दर्द, महिलाओं में बच्चेदानी से संबंधित समस्याएं, बच्चेदानी की गठानी, ये सारा चीज अलसी करेक्ट करता है, ओमेगा 3-6 बहुत बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये आप यूज करें और दवाइयों के नाम नोट करें। दवाइयां मैं अक्सर बताता हूं, जिस दवा को उसका नाम है लाइकोपोडियम 200, 2-2 बूंद सुबह शाम की मात्रा में, आप 2-3 बार भी इस दवा को ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी और साइड इफेक्ट रहित होम्योपैथी की मेडिसिन है। 2 बूंद डायरेक्टली जीभ पर ले लीजिए बस, और वो खाली पेट लीजिएगा। मान लीजिए कि आपने खाना खा लिया और आप भूल गए हैं, तो 10-15 मिनट बाद आप ले सकते हैं, बस ये याद रखिए कि आपके जीभ में किसी तरह का कोई दूसरा टेस्ट ना हो। दूसरी जो दवाई है वो है नक्स्वामिका 200, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम, ड्रॉप डोजेस में, और यदि आपको गोलियों में मिलती है तो 4 गोली सुबह और 4 गोली शाम ले लीजिए। इससे आपका डाइजेशन पूरा क्लियर रहेगा, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लियर रहेगा, और साथ में सैलेड्स में हमेशा बोलता हूं सलाद, कोई भी एक सलाद भी आप रोज लेने की आदत डाल लीजिए, इससे फाइबर्स मिलेंगे, नेचुरल फाइबर्स, और आपके आंतों को क्लियर करेंगे। एक मैंने तरीका बताया है कि रोज आप एक डिटॉक्स जूस यूज कर सकते हैं। ये जूस आपको करना क्या है कि कोई भी एक हरी सब्जी आपने ले लिया और उसे थोड़ा सा टुकड़ा लिया आपने, करीब 25 से 30 ग्राम का टुकड़ा, और उसे पीस दिया मिक्सर ग्राइंडर में, और उसमें पानी डाल के आपने पी लिया। ये रोज सुबह कर लीजिए, जब आप उठते हैं, तो उठने के बाद आप जब ब्रश वश कर लेते हैं तो सबसे पहला जो जाए जूस जाए वो डिटॉक्स जूस जाए, जिससे आप ये कोई भी सब्जी के साथ कर सकते हैं, आप भाजियों के साथ कर सकते हैं, आप करेले के साथ कर सकते हैं, आप पपीता कच्चे पपीते के साथ कर सकते हैं, आप लौकी के साथ कर सकते हैं, आप कद्दू के साथ कर सकते हैं, आप बहुत सारी भाजियां हैं उनके साथ कर सकते हैं ये प्रयोग। आपने थोड़ा सा मटेरियल लिया 25-30 ग्राम, उसे पीसा, उसकी चटनी जैसे बनाए, पानी डाला और पी गई, एक डिटॉक्स जूस है और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है कि नेचुरल तरीके से आप कैसे जूस लें और किस तरह से इन्हें घर में बनाएं। आप अभी सीजन बहुत अच्छा है तो आप लेके आ जाइए, अभी विटामिन सी के लिए बहुत सारे पदार्थ आपको मिलेंगे, जो नेचुरल फ्रूट अभी आपको मिल रहे हैं, जैसे आंवला मिल रहा है या आपको जाम मिल रही है, इस तरह के फ्रूट, और आपको बेर मिल रही है ग्रीन वाली, तो ये जो फ्रूट्स हैं इन्हें आप सीजनल फ्रूट्स हैं, इन्हें आप रेगुलर लिया कीजिए, ताकि और इन्हीं से आप डिटॉक्स जूस बनाइए। आप इनका एक से दो फ्रूट ले लीजिए आप, या छोटे सा आपने जाम ले लिया, उसको पीस लिया, उसमें पानी डाला और थोड़ा हल्का नमक डाल के और थोड़ा सा टेस्ट मिला के और पी लिया, तो ये एक सुबह का जूस होगा। हम केन युक्त डब्बे बिन बंद वाले जो पदार्थ यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे हम इसे नेचुरली घर पे क्यों नहीं प्रिपेयर कर लेते। जब आप ट्रॉपिकाना या बड़ी कंपनियों के जूसेस, सील्ड बंद जूसेस गुआवा वाले पीते हैं, तो आप नेचुरली गुआवा क्यों नहीं बना लेते घर में, गुआवा जूस क्यों नहीं बना लेते। बस करना यह है, उसे पीसना है, उसमें पानी डालना है, थोड़ा सा आपको नमक के सेंधा नमक या इस तरह का कोई टेस्ट मिलाना है, उसको पी लेना है,
इतनी ही सी बात है, ये आपको किसी भी डिब्बा बंद युक्त पेय पदार्थ से नहीं मिलेगा। ये जो नेचुरल चीज है, ये आप चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो, चाहे किसी भी कंपनी ने बनाया हो, वो क्यों, वो उस पर प्रिजर्वेटिव डालेंगे, क्योंकि उसको खराब होने से बचाना है तो उसमें केमिकल तो मिलेगा ही। ये आपके लिए हानिकारक है। ज्यादा अच्छा है कि आप इसे नेचुरल यूज कीजिए, नेचुरली अपने घर में प्रिपेयर कीजिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। पुराने जमाने में लोग हर एक चीज जो मिलती थी उन्हें, या उन्हें जो हाट बाजार में मिलता था, या अपने घरों में ही कोई भी फल होता था, वो उसका उपयोग करते थे। और कोई जूस थेरेपी भी उस दवा में नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज मिलता था वो उसी पे ही निर्भर होते थे और उन्हीं को खाते थे, और उन्हीं का कहीं रस बना लिया, आम का रस बना लिया, इस तरह की चीजें ये करते थे। ये बेसिक चीजें थी। और हम लोग जो डिब्बा बंद पेय पदार्थों पे जा रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। ज्यादा अच्छा है इसे हमें घर पे प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा है, मेरी बातें आपको, आप अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आया कि मैं बोल रहा हूं प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने के बारे में। और प्राकृतिक जीवन शैली यही बोलती है कि जो हमें प्रकृति के माध्यम से मिला हुआ है, हम उसी का उपयोग अपने खाने में करें और उसी के अकॉर्डिंग हम जिएं। हम जितना आर्टिफिशियल जीवन शैली में जाएंगे, आर्टिफिशियल होते जाएंगे, बनावटी जीवन शैली में जाएंगे, उतनी बीमारियों को बुलाएंगे अपनी तरफ। और योग और व्यायाम की दिशा में भी काम कीजिए, उसके लिए भी मैंने वीडियोस आपको दिए हुए हैं। आशा है आप उन वीडियोस को देखकर आपको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आपने इतनी देर तक हमारे वीडियो को सुना और उसे पसंद कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं और लोगों तक भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।